देव ये सब आ गई हैं। भाई मेरा शेर यहाँ पे है, तब तक कोई मुझे टेंशन नहीं। इनका खाली गाल खींचना है क्या? समझाने का तरीका तुम्हारा मान गए, मान गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। फिलहाल आज है संडे और जबरदस्त मजा आने वाली है। आज के ब्लॉग में आपको बहुत ही एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, तो लास्ट एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी है और हम नहा धोके एकदम फ्रेश कंप्लीट रेडी। संडे का दिन है तो थोड़ा लेट उठना तो बनता है ना कुछ भाई? खुशु भाई हमारा अभी तक नहीं आया क्योंकि उनको ठंडी ज्यादा लगती है। खुशु भाई को क्या पिलाया जा रहा है? सुबह सुबह मेहंदी की डिमांड। हमारे लिए क्या नाश्ता बना? भाकरी का छेवड़ा। कीर्ति ने बनाया भाकरी का छेवड़ा और साथ दूसरा छेवड़ा मुमरे का। खुशु भाई दूध पी लिया? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, क्या कहना चाहते हो आप? मैं वही कहना चाहती हूँ, 2 घंटे के लिए आप बाप बेटा चले जाओ भाई। कीर्ति का टेंशन आ जाता है। आज हमारे यहाँ पे गेस्ट आने वाला है। टेंशन नहीं है, आप दोनों का ज्यादा टेंशन रहता है। हर संडे आप दोनों को मैं अलग करने में रहती हूँ। आज हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं और इतने सालों से नहीं आए हैं, 5-6 साल से हम जान रहे हैं। सुशील जी हैं जो उनको 5-6 साल से हम जान रहे हैं, लेकिन वो आज तक हमारे घर पे नहीं आए, तो आज कितने टाइम के बाद आ रहे हैं। और जहाँ पे हम शादी में गए थे वो भी दोनों कपल आ रहे हैं, तो बहुत ही मजा आने वाली है। लास्ट एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल कीर्ति इतनी टेंशन ले लेती है ना, कोई आज के बाद उनको पता चलता है मेहमान आने वाले हैं तो रात को ही टेंशन में आ जाती है। क्या मैं बनाऊँ, क्या करूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ। खुश हो, देखो तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है भाई। तो किसकी वजह से? भाई ये कीर्ति को कौन समझाए। देखो क्या खाना बनेगा स्पेशल। सब दिखाना जरूरी है। सब्जी बनेगी, पूरी बनेगी, खीर बनेगी, दाल चावल खमन वो सब रहे। तो उबलने के लिए रखना है, इसीलिए मैं बोल रही मत दिखाओ, यही है और खुशु भी व्लॉग बनाएगा मेरा। खुशु भाई कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो? देखो भाई ऐसे गाड़ी उन्होंने सेट की है, ऊपर एक गाड़ी और सारे शूज ऊपर रख दिए। कहाँ ले जा रहे हो आपके शूज को? यही काम धंधा है आपका? मॉर्निंग में उठ के कुछ न कुछ नया नया खेल करता रहता है। ये सब गाड़ी भर भर के ले जा रहा है और सोते भी जा रहा है और साथ में ये सब करते भी जा रहा है। यहाँ मदारी का खेल खत्म होने वाला नहीं है कीर्ति। तो भाई कल रात को हम वो लेने गए थे, वो तो दिखाओ क्या है, वरना आ जाएंगे गेस्ट तब बताओगे। बट कल तो टाइम ही नहीं था आपके पास। मेरे पास नहीं टाइम था तो चलो ना भाई, फटाफट लेने गए और फटाफट लेके भी आ गए। तो ऐसा रहता है। तो काम को जैसा है भाई, वीडियो एडिटिंग करो। ये रात को लेने गए। कहाँ है? तो ये लिया है हमने भाई। ये मेरी पसंद नहीं है, कीर्ति की पसंद है, क्योंकि साड़ी में मुझे पता नहीं चलता है। ये किसको देने है? लालू जी की वाइफ को। हाँ उनका नाम मुझे भी नहीं आता है। लालू शादी में जाके आ तो आ गए लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं। तो ये साड़ी कीर्ति ऑन द स्पॉट कल रात को मुझे ले गई थी, वो लाए हैं और ये देंगे और साथ में कुछ और देंगे। वो हमारा बहुत कुछ रखते हैं तो हम भी उनका भी थोड़ा बहुत रखते हैं। तो ये सब देना लेना उसमें क्या होता है, मुंह दिखाई की रस्म में सारी गिफ्ट लेते हैं, देते हैं। हमने गिफ्ट ली थी, फिर कुछ क्या हुआ था उसी दिन टूट गई थी, कांच की गिफ्ट ली थी वो टूट गई, टूट गई थी। फिर उनका क्या होता है, मुंह दिखाई के बाद सब लोग देते हैं, तो हम वो रस्म में नहीं गए थे, तो घर ही आ रहे हैं तो घर पे ही दे देंगे। वाह, समझाने का तरीका तुम्हारा मान गए, मान गए भाई। मुंह दिखाई में ये साड़ी देंगे और साथ साथ में कुछ कवर वगैरह दे देंगे और खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। फिलहाल अभी कीर्ति के ऊपर लोड ज्यादा है, काम उनको करना है, खाना उनको ही बनाना है, हमको नहीं बनाना है। मेहनत सारी कीर्ति के ऊपर रहती है क्योंकि हमारे घर में जो भी गेस्ट आता है कीर्ति का लाइन लग जाता है। कीर्ति बोले की यूपी के हैं तो उनको ये सब पसंद आएगा, इसीलिए कीर्ति ने ऐसा साड़ी पसंद किया है। अभी उनको पसंद आए तो ठीक है। नहीं, वो एरिया में गए थे इसलिए हमको पता चला कि वो एरिया में कौन सा
ये साड़ी भी वो एरिया में से लाए है पांडेसरा साइड से, तो उनको पसंद शायद आएगी। तो गाइस अभी थोड़ा कीर्ति को हेल्प करा देता हूँ, सलाद काटना है तो सलाद काट देता हूँ, तब तक वो सारा खाना बना रही है अभी। और खुशबू भाई हमको सबको हैरान कर रहे हैं, तो इनको थोड़ी देर में बाहर भी ले जाना पड़ेगा। तो सलाद पहले जल्दी फटाफट काट लेता हूँ। मैंने सलाद भी मस्त काट दिया है और इन्हें भी काट दिया, ये थोड़ा काम था, लहसुन वसन सब कम्प्लीट कर दिया। खुशबू भाई बहुत हैरान कर रहे हैं, कीर्ति को काम ही नहीं करने दे रहे कुछ भी, हमने हेल्प कर दिया है कीर्ति का थोड़ा बहुत। क्या वहाँ पे रहना दो कीर्ति बोली कोश को ले जाओ, अभी दो घंटे वहाँ रहे हैं। हाँ चलो खुशबू तुम बहुत हैरान कर रहे हो। यहाँ पे देखो हमारा फर्नीचर का काम का शुरू है सामने वाले घर में। हाँ और क्या लाना है? तो भाई गेस्ट आ रहे हैं, जल्दी करना, हम जल्दी जाते हैं। हाँ अभी इनको लेके जाना पड़ेगा एक्टिवा में। चलो 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 आई जाओ, आ जाओ 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 आ जाओ। खुशबू भाई ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं, चले और हमको आसानी रहती है, खुशबू भाई ऐसे बैठ जाता है। तो दूध लेने आया है ना तुम, चलो आइसक्रीम देख लिए सीख आ रही है, आइसक्रीम कहाँ खाओगे तुम, चलो 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 ले लेते हैं, जंप ले लिया ना, चलो दूध भी ले लिया, जंप भी बाहर से सामान ले आए हैं। तो अभी गेस्ट भी थोड़ी देर में आते होंगे, तो रास्ते में होंगे। देखो लगातार काम करे, कुछ कहना चाहोगी क्या? अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, बोले मुझे खाना बने न दो, उनको यही टेंशन रहता है। कुछ तो हम रखेंगे, हाँ पप्पा रखेंगे। कीर्ति को टेंशन भाई बहुत हो रहा है, गेस्ट आएंगे तो खाना में कब बना, उनका फेस एक बार देख लो आप। खुशबू भाई तो ऑलरेडी मस्त खेल रहे हैं यहाँ से, यहाँ हम भी उनके साथ खेलेंगे। देवी आगे भाई, देवी का सब दर्शन कर रहे हैं। आले, 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 आले। तो भाई सारे मेहमान अभी तक शांत थे, लेकिन अभी माहौल मेरा बदल गया है। तो भाई देविया सब आ गई हैं। यहाँ पे तुमको मजा आता होगा है? है? अरे पंखा बंखा सब बंद है भाई, हवा इतनी आ रही है जबरदस्त। देखो यहाँ गाड़ियाँ लाइन में खड़ी, हवा कहाँ आ रही है? मैगी पेड़ हिल रहा है। ओहो तुम्हें आ रही है क्या हवा? हवा आ रही है? नहीं नहीं आ रही है, तो ये चोटला खोल दो आ जाएगी, चोटला खोल दो आ जाएगी। मैगी तुम्हें आ रही है क्या? मंचूरियन हवा आ रही है क्या? नहीं। देखो भाई काम पे लग गए हैं सारे, एक बज गया लेकिन अभी तक खाना बना नहीं है, तो वेट करते। ये मैडम है फोन में चले रहे थे, काम ही नहीं करवा रहे भाई। कीर्ति को तो आधा काम हो गया है भाई, अभी दो बज गया है, कब होगा खाना ऐसा? और यहाँ देखो गैंग है, ये गैंग बीच में काम करे यहाँ से यहाँ। पूरी मस्त बनी है भाई कटोरी जैसे। मैं सबकी प्लेट रेडी करती हूँ। किसको लेट हो रहा? लालू भैया। कहाँ जाना है कहीं? हाँ है लालू, कहाँ जाना है भाई? तुम बोल रहे कि तुम्हें लेट हो रहा है, जल्दी घर जाना है, है? ठीक ऐसा है क्या? लंच टाइम हो गया क्या? वो खाना बन गया है। हेलो थाली में बैठ गया चटनी। कुछ चटनी, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चटनी हो गई। क्या मम्मी, क्या लगे मम्मी, क्या लगे मम्मी,
कुछ नहीं लगा। फाइनली खाने पीने का टाइम हो चुका है और अभी सब खाने के लिए बैठ गए हैं। अतिथि देवो भव करके और कितने टाइम के बाद आए हैं। सुचित जी तो हमारे साथ काम करते लेकिन आए ही नहीं थे कभी घर पे, तो सब आ गए बैठ गए। सब फर्स्ट टाइम खाना पीना हो चुका है, अभी मुंह दिखाई रस्म आ गई है। हमें पता ही नहीं कौन सी रस्म होती है मुंह दिखाई, तो अभी देखते हैं मुंह कैसे देखते हैं। रस्म स्टार्ट होने वाली है, आप देखना क्या होता है। 1, 2, 3 स्टार्ट। हाँ लो मुंह दिखाई रे, इनका खाली गाल खींचना है क्या। तो भाई मुंह दिखाई रस्म खत्म हो गई है, फिलहाल सारे लोग अभी रस्म कर दिए हैं। तुमने मुंह तो कब से देख लिया था भाई, पहले बोला ठीक है सर। चलो आजकल लालू बहुत शर्मा रहा है भाई, वरना पहले अपने हमारे व्लॉग में देखा होगा लालू कैसे मस्त मस्त डांस करता था, लेकिन अभी बहुत कमरिया कर रहा है। कमरिया करे लापालाप, लेकिन अभी लापालाप करता ही नहीं है भाई, जब से शादी हुई है ना तब से। फाइनली गाइस कब से ये फिटिंग नहीं हुआ था, तो मेहमानों को हमने रोक रखा है और वॉशिंग मशीन आज फिट करवा के हम भेजेंगे। देखो पूरा काम, खाना पीना खिलाया पिलाया और अभी काम करवा देंगे थोड़ा सा। भाई वॉशिंग मशीन फिट कर रही है, मेहमान काम कर रहे वो देखो ना। इससे निकाल लियो तो ज्यादा तेज चला गया। नहीं नहीं उससे नहीं, यही इससे जाएगी। तो भाई मेहमान से काम हो रहा है, देखो अब यहाँ फिटिंग करना है। तो भाई फिटिंग हो चुका है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ चुका है, यहाँ पे लगा दिया, बाद में सारा काम करेंगे। देखो कम्प्लीटली मेहमान ने सब करवा दिए हैं कंप्लीट। तो फाइनली गाइस मेहमान काम करवा के अभी निकल रहे, बोले ज्यादा देर यहाँ पे रुके तो काम ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल बाय 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 बाय। मेहमान चले गए और खुशू भाई देखो मस्त सो गया है आराम से, बहुत खेल कूद किया सबके साथ, लेकिन अभी आराम कर रहे हैं। और कीर्ति अभी काम पे लगेगी, धड़ाधड़ काम करने वाली है, देखते क्या कर रही है। ओहो हाय, क्या हो रहा है भाई काम काज। बस मशीन का वो ढूंढ रही। वाह मशीन का वो क्या ढूंढ रही है, वो उनके पीछे का लाइन। वो उनके पीछे का क्या होता है, भागी भागी भागी। तो कीर्ति का काम अभी देखो कितना बाकी, मैं दिखाता हूँ। अभी ये सारा काम कीर्ति करना बाकी है, अभी काम पे लगेगी तो सारा काम पटा देंगी। तेरे को कभी कभी तो ब्लॉग बनाने के लिए कीर्ति को यहाँ पकड़ के लाना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और रस्म कैसी लगी? अच्छी लगी, पहली बार हमने भाई देखे लेकिन अच्छा लगा। हमारे मुँह रस्म दिखाई नहीं होती, लेकिन हमने ये नई नई चीज सीखते है। मिलता है नहीं, नहीं, मतलब कुछ ना कुछ जानना मिलता है। भाई मेरा शेर यहाँ पे है तब तक कोई मुझे टेंशन नहीं, देखो हजारों लोगों का खाना ये बना सकती है। बस शाबाश दिख रहा है, शाबाश शाबाश। तो कीर्ति के ऊपर मुझे आज दिल आ गया। पहले आया तो हुई। पहले आया था लेकिन ये गलती बहुत भारी पड़ी। तो जो भी शादीशुदा लोग हैं गलती करते हैं उनको भी क्यों देते। तो भाई जो भी शादीशुदा लोग हैं देख लेना भाई, कभी कभी प्यार आ जाता है, दिल आ जाता है। मतलब ये सब लड़कों को क्यों होता है, लड़कियों को भी होता है, शादी करके परेशान हो गए लड़के को क्यों होता है, हमको भी होता है भाई, सारी लड़कियों को होता है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, सब लड़कों को क्यों होता है शादी होके पछताना। अरे भाई हमने क्या कहा।
खाए हमको भी होता है सब। मैं आज तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कल बोलेंगे भाई आज तो के लिए आज तो वैसे बोलते अरे शादी करके तो पछताना तो हमको क्या है आपके बच्चे संभालना आपका खाना बनाना आपका घर संभालना वो भी हमको जिम्मेदारी है ना देखा कीर्ति का रॉप आज हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आज उन्होंने सारे मेहमानों को अच्छी तरीके से मस्त खाना भी खिलाया इसकी वजह से नहीं है भाई कीर्ति हर बार सारे कोई भी मेहमान को मैं बुला लूं ऑन द स्पॉट तो कीर्ति सारा चीज हैंडल कर लेती मुझे कोई टेंशन नहीं रहता खुश को रखना हो या सारे मेहमान का खाना बनाना हो कुछ भी हो कीर्ति सब हैंडल कर लेती है फिलहाल अभी थोड़ी देर मैं और खुश रिलैक्स होने वाले हैं और कीर्ति अपना काम करेगी।